हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ भरवा शिमला मिर्च। जब हम शिमला मिर्च को इस तरह भरकर बनाते हैं तो इसे बच्चे और बड़े सभी चाव से खाना पसंद करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने मीडियम शिमला मिर्च ली है, आप बड़ी शिमला मिर्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम शिमला मिर्च के ऊपर वाले भाग को इस तरह काट कर अलग कर देंगे और अंदर चाकू की मदद से इस तरह सारे बीज को काट कर निकाल लेंगे। देखिए इस तरह। इसी तरह हम सभी शिमला मिर्च के बीज को निकाल कर अलग कर लेंगे। मिर्च तैयार हो गई है, अब इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। गैस में कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसे थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, इसे हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, इसे भी हम भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे उबले हुए आलू जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। मसालों में आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू को मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट फिर से भून लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे शिमला मिर्ची में भरना शुरू करेंगे। तैयार स्टफिंग को अब हम शिमला मिर्ची में भर लेंगे। पूरी शिमला मिर्ची में हमें इसे दबा दबा के अच्छी तरह से भर लेना है। इस तरह हम सभी शिमला मिर्ची को भरकर तैयार कर लेंगे। सारी शिमला मिर्च को भरकर हमने तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है, बहुत कम ऑयल में ये बनकर तैयार हो जाती है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके शिमला मिर्च को रख देंगे। और इसकी लीड लगाकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद 1 चम्मच की सहायता से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। धीरे धीरे हमें इन्हें पलट लेना है। अब हम फिर से इसकी लीड लगा देंगे और 2 मिनट इन्हें और पका लेंगे।
इसी तरह हम हर 2 मिनट में शिमला मिर्च की साइड को चेंज करते हुए इसे चारों तरफ से पका लेंगे। शिमला मिर्च को हमें 80% ही पकाना है, ज़्यादा कुक हम इसे नहीं करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। देखिए भरवा शिमला मिर्च बन के तैयार है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस भरवा शिमला मिर्च को आप रोटी पराठा किसी के भी साथ खाइए, खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को शिमला मिर्च पसंद नहीं है, अगर वह इस तरह भरवा शिमला मिर्च को खाएंगे तो उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये भरवा शिमला मिर्च कैसी बनी थी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।